नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल बहुत ही ज्यादा दुख में, बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हूँ, क्योंकि हमारा देश भारत आज फिर से शर्मसार हुआ है। उन्नाव में 3 दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, फिर उसके बाद उनकी लाशों को पेड़ से बांध कर छोड़ दिया जाता है दिन दहाड़े। उत्तर प्रदेश में ऐसे कांड आम बात हो गई है। 2 लड़कियों ने तो अपना दम तोड़ दिया, वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन एक बेटी अभी तक आखिरी सांसें गिन रही है। उसके साथ भी योगी सरकार वही करना चाहती है जैसे कि हाथरस की बिटिया मनीषा के साथ किया गया था। 9 दिन तक उसे इधर उधर भटका कर जिस तरह से उसकी जान ले ली गई थी, वही काम योगी सरकार इस उन्नाव की बेटी के साथ भी करना चाहती है। अभी तक उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि उसे जल्द से जल्द एम्स में भर्ती करवाया जाए ताकि उसकी जान बच सके और वो हम सब के बीच जिंदा रह सके। जिस तरह से आम बात हो चुकी है किसी के साथ भी अत्याचार, किसी के साथ भी रेप, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले पीढ़ी को लड़कियों के दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी अब बेटी पैदा करने से कतरा रहे हैं। जिस देश में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस देश की हकीकत ये है कि खेत में लड़कियां जानवरों के लिए चारा लेने दिन दहाड़े भी नहीं जा सकती। रात की बात तो छोड़ दीजिए, दोपहर के समय में भी लड़कियां सेफ नहीं है। खाकी वर्दी का कोई खौफ नहीं है किसी के भी दिमाग में, ऐसा क्यों? जब तक देश की बेटियां सेफ नहीं है, जब तक देश सेफ नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा बन के रह गया है। मिशन शक्ति को सफल बताया जा रहा है, मिशन शक्ति में इतना काम हुआ है, उतना काम हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जमीनी हकीकत ये है कि बेटियां पूरी तरह से एक खुली तिजोरी बन के रह गई हैं, जिसमें जो भी मन कर रहा है, जिसका भी मन कर रहा है, वो आके बेटियों की आबरू को तार तार करके चला जा रहा है, जो कि शर्म की बात है हर एक भारतीय के लिए।